हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। सो गाइस, ये वाला गेम प्ले में हम जो अपना स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो चेंज करके थोड़ा बहुत ओवरले लगा दिया, तो गाइस कमेंट करके ये बता देना कौन सा वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ये वाला या फिर जो हम स्ट्रेच स्क्रीन लगाते थे वो। तो अगली बार हम वही लगाएंगे। फिलहाल के लिए सामने जो स्मोक हो रखा है वहाँ पर बंदा फंसा हुआ है भाई, जो गाड़ी लेने आया था। अब उस बंदे को हम भागने नहीं देना चाहते, तो यहाँ पर उसको टीवी से बराबर देख रहे हैं, लेकिन वो बंदा कब भाग जाता पता नहीं पड़ता, लेकिन ये बंदा फंस जाता है। जो कि ओपन जिप से जा रहा था और हमारे डीपी के स्प्रे का शिकार हो जाता। अब सामने भी एक गाड़ी जा रही है क्योंकि जोन क्लोज हो रहा है, तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, और जो बंदा अभी हमने मारा उसको लूट लेते क्योंकि हमारे पास दोनों गन जो है भाई स्प्रे वाले गन है, डीपी और M4 इनका। तो भाई जितना एमओ आपके पास हो उतना कम है, भर भर के एमओ उठा लेना चाहिए इन दोनों गन का। तो अब इससे पहले मैंने 2 किल ले लिए थे, अब झूठ नहीं बोलूँगा वो किल थे 2 बोट के, जो कि एक दूसरे का सिस्टम फेल करने में लगे हुए थे। मैंने कहा भाई रुको ज़रा, ये काम मैं कर लेता हूँ। तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो, क्योंकि कॉन्करर लॉबी में अर्ली स्टेज पे आपको बोट ही मारने मिलेंगे, और मतलब जो असली बंदे होते हैं उनको मैं मारता हूँ नहीं, क्योंकि क्या पता वो 1-2 पॉइंट्स कॉन्करर होने वाला और उनका माइनस लग जाए तो बहुत ही बददुआ देंगे अपन को। और ये पहलू भी है कि क्या पता वो मेरा भी माइनस कर दे, क्योंकि मैं तो रैंक मैच खेल रहा हूँ, इसलिए दोनों पहलुओं को नज़र में रखना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए गाइस अभी हम जोन में एंटर कर चुके हैं, और जोन का साइज देखो यार इतना कम है, और नंबर ऑफ पीपल अलाइव देखो यार इतने 27 बंदे अलाइव है। अब ऐसी सिचुएशन में ये मत सोचना कि कोई कंपाउंड तुमको होल्ड करने के लिए खाली मिल जाएगा, जैसा ये बंदा सोच रहा था भाई। सामने वाले स्क्वाड हाउस पर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर बंदा पहले ही था कोई, तो उसको देख के इधर आता। अब यहाँ पर 2 बंदे क्या पता टकरा के आपस में फाइट करने लग जाए, इसके लिए उन पर नज़र रखी मैंने, लेकिन वो बंदे अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और यहाँ पर नीचे जो सेक है वहाँ पर फाइट होती है। अब जो बंदा फाइट करके जीत गया वो बंदा वापस से घुस जाता है अपनी कुटिया में, कहीं कोई स्पॉट करके थर्ड पार्टी किल उठा ना ले। अब वैसा ही मैं सोचता हूँ कहीं कोई और बंदा मुझे ना मार दे, इसलिए अपना बग्गी निकाल के मैं अपने रास्ते निकल लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे लिए कोई कवर वाली जगह थी नहीं, तो मैं अपना गाड़ी घुमाने वाला था जब तक कि नया जोन नहीं बन जाए। अब इधर आता हूँ तो यहाँ थोड़ा एरिया साफ दिखता है, तो यहाँ थोड़ी देर रुकता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा देर घुमा है तो बंदे मेरा गाड़ी क्षतिग्रस्त कर देंगे यानी डैमेज कर देंगे, और मैं अगले जोन्स में मूवमेंट नहीं दे पाऊँगा। अब यहाँ पर ये बगी वाला बंदा जो स्पॉट होता है उसको देखने के चक्कर में मैं अपना गाड़ी इस पत्थर पर ठोक देता हूँ। अच्छा हो जाओ वो बंदा थोड़ा दूर था, नहीं तो जंप करके मुझे फायर कर देता। अब वैसा मैं करने वाला हूँ, अगर वो बंदा इधर आता है भाई सीधे तरीके से तो उसको मैं लेता हूँ। लेकिन नहीं, वो बंदा भाई बड़ा होशियार था, निकल लेता है बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह। अब उसको मैं टैप टैप फायर देने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा बहुत डैमेज पड़े, लेकिन नहीं यार वो तो निकल लेता है बहुत ही तेज़ी से। तो फिलहाल जब तक नया जोन नहीं बन जाता तब तक यहीं पर रुकेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा अपना गाड़ी हम डैमेज करवाने वाले नहीं थे, और जोन भी हमसे ज़्यादा दूर था नहीं, हम गिरते पड़ते भी पहुँच ही जाएंगे जोन में। अब यहाँ पे जो स्क्वाड है सामने वहाँ पर मुझे एक गाड़ी स्पॉट होती है, तो बंदा होना ही है। अब वो बंदा भी मुझे स्पॉट हो जाता है, जो कि कॉन्फिडेंटली पीक दे रहा था उस विंडो से, और M4 के टेप फायर से मुझे बैट कर रहा था कि भाई मेरे पास M4 है मार मुझे। लेकिन मैं समझ गया था भाई उसके पास कोई अच्छा वेपन है, या फिर हैक भी हो सकता है उसके पास, इसलिए मैं उसको किसी भी प्रकार की मुंह दिखाई नहीं करता हूँ, जिससे वो हमारा मुंह तोड़ के हमको एक ही झटके में किल कर दे। अब यहाँ पे मैं प्रोन ही रहता हूँ और स्मोक कर देता हूँ, क्या पता लोग मुझे प्रो समझेंगे। अब यहाँ पर जोन क्लोज हो रहा था तो मैं निकल लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत डैमेज भी अगर ये ब्लू जोन देगा वो हमको आगे जाके भारी पड़ सकता है, तो मैं तुरंत ही निकल लेता हूँ और गाड़ी घुमाता हूँ जब तक नया जोन नहीं बन जाता। अब इतने में नया जोन बन तो जाता है, लेकिन कोई कवर वाली अच्छी जगह थी नहीं, तो मैं ढूंढता हूँ गाड़ी घुमा के कि कौन सी जगह कवर के लिए अच्छी रह सकती है। अब ये जो गाड़ी थी भाई डासिया बिल्कुल लावारिस पड़ी थी, तो इसको थोड़ा कवर के रूप में यूज़ करने का दिमाग लगाता हूँ मैं। अब इसके पास ही जाके अपना बग्गी रोक के दोनों तरफ से कवर लगा के मैं वहाँ पे प्रोन हो जाता हूँ। तो गैस देखो यहाँ पर 19 बंदे अलाइव है, और कौन सा बंदा कहाँ पर है मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, तो मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि मैं पूरी तरीके से कवर में, और ये जो ऊपर वाला हिल वाला एरिया था वहाँ पर से तो पड़ने के फुल चांसेस थे, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जोन था, और इतने में इस घर पर फाइट होने लग जाती है। वहाँ पर एक बंदे को मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, स्प्रे करता हूँ, लेकिन ये जो बीच में एयरड्रॉप का धुआं आ जाता है इसकी वजह से मैं सही तरीके से कनेक्ट हो नहीं पाता मेरा स्प्रे। अब इस एयरड्रॉप को लूट लेते क्योंकि हमारे पास लेवल 2 के हेलमेट वेस्ट है, और एंड जोन में एयरड्रॉप लूटने का ज़्यादा रिस्क रहता है नहीं। स्टार्टिंग में कैंपिंग होती है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा भाई।
और यहाँ पर रिस्क होता भी तो मैं लूटता जरूर, क्योंकि भाई लेवल 3 के हेलमेट वेस्ट बहुत ही ज़रूरी है भाई, आप क्लोज फाइट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब फिलहाल मैं इस जोन के सेंटर में, और हो ना हो अगला जोन हम पे ही बनने वाला था, क्योंकि आमतौर 90% टाइम जोन 1-2 पार्ट यानी हाफ पार्ट पे ही बनता है। अब इतने में ये भाई साहब जाते हैं जो कि सामने एक पेड़ पे गाड़ी रोक के किसी और को मारने लगे थे, देखना गाइस। अब ये भाई साहब के पास गिली सूट है और ये ऊपर जाके कहीं प्रो होने वाला है, इसलिए मैं उसको देख रहा था, लेकिन आसपास से मेरे बहुत ज़्यादा बकिया बिन बिना रही थी, तो उन बग्गियों से सावधान रहना था मुझे। अब एक किल के चक्कर में हम अपना किल गंवा नहीं सकते, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो वाला किल, तो मैं इन बंदों की तरफ से मतलब अलर्ट रह रहा था कि क्या पता ये बंदे सीधा मेरे को कुचल के चला जाए या फिर मेरे पास आके जंप करके मेरे को मार दे। अब इतनी देर में वो बंदा जो गीली वाला था ऊपर रिच पे जा रहा था, वे M249 चला रहा था, उस बंदे को मैं क्या ही मारता हूँ जब वो अपनी गाड़ी उठा था। देखो गाइज, तो गैस वो बंदा तो मर गया था, लेकिन अब यहाँ पे जो सामने वाला घर है वहाँ पर दो बंदे अभी भी लड़ा रहे, क्या पता वो थोड़ा बहुत ओपन में है उसको हम किल कर सके, लेकिन वो बंदे अंदर ही रहते हैं अच्छी तरीके से कवर में, और उसमें से एक बंदा दूसरे को मार देता है। अब मेरा ध्यान ये था कि वो बंदा हो ना हो ओपन से ही आएगा, क्योंकि इधर जो गाड़ी है उसको मैं पंक्चर या फिर टायर फोड़ देने वाला हूँ। अब इतने में नेक्स्ट जोन बन जाता है, और बन तक आए भाई देखो 1/4 पार्ट में, भाई मैं जोन के सेंटर में था, मेरे को तो ले लेते यार, लेकिन आज जोन को कुछ और ही मंजूरी है, तो कुछ नहीं अभी और आगे देखो भाई जोन के जलवे। अब उस बंदे के पास एक और व्हीकल था जो कि वो जोन स्टार्ट होने से पहले निकाल लेता, अब उसको मैं चलती गाड़ी में डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा खासा डैमेज पड़ता है नहीं उसको। तो वैसे यहाँ पर जोन के क्लोज होने का टाइम शुरू हो गया था, और यहाँ पर मैंने एक एडवांस स्मोक इसलिए कर दिया था कि बंदे कंफ्यूज रहे, एक बार फायर करके अगर उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो वो बार बार वहाँ पर फायर नहीं करेंगे और हम अच्छे से जोन में एंटर कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो जोन बनता है ना गाइस, बिल्कुल ही घटिया जोन यार। अब एक बंदे ने जोन के बाहर से दूसरे वाले बंदे को मारा है, तो उसको हम आई बटन से स्पॉट तो करते हैं, लेकिन M4 की गोलियाँ उसको स्पॉट करने में निकल जाती है, और DP में हमारी बिल्कुल ही कम गोलियाँ थी जो कि उसको ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाई। अब यहाँ पे वो बंदा बच तो गया था, लेकिन बिल्कुल ही कम HP था उसका, तो मैं ग्रेनेड करने की सोचता हूँ, लेकिन अच्छे खासे कवर में था वो बंदा। तो देखो गाइस, नोटिस करो कि मतलब मैं इससे पहले दूसरे जोन में बिल्कुल सेंटर में था, लेकिन उससे अगला जोन भाई 1/4 पार्ट पे, लेकिन ये वाला जोन भी 1/4 पार्ट पे। तो देखो गाइस, इस वाला गेम प्ले में जोन ने अपना साथ बिल्कुल भी नहीं दिया, अगर थोड़ा बहुत भी दिया होता तो अपन बंदे आधे कर देते और इतनी भसड़ मचती नहीं। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ही जोन आप पे बने, आप भी एडवांटेज में रहो और हर बार आपका चिकन डिनर हो जाए, कभी कभी आप ही डिसएडवांटेज में रह सकते हो जैसा इस बार हुआ है। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि ये जोन कितनी देर से भाई ओपन में रहा है और बंदे कितने अलाइव थे, उसके बावजूद अपन ने यहाँ तक सर्वाइव किया, ये बहुत ही बड़ी बात है। और ये मैच जो मैं खेल रहा हूँ ये कोई नॉर्मल कॉर्नर का नहीं है, ये एक रैंक मैच है और जिसमें मेरे को बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है। अब आप लोग पूछते हो कि भाई लास्ट जोन में सर्वाइव करने की ट्रिक व्रिक या टिप, तो इसका कोई टिप नहीं है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने आप के दिमाग से जो भी डिसीजन लेने उससे करना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो बिना किसी नुकसान के। तो गाइस, इतने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस के बावजूद हम यहाँ तक तो सर्वाइव कर लिए, लेकिन इसके बाद हम सर्वाइव नहीं कर पाते और यहाँ पर मारे जाते हैं हम। अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि उस तरफ से तो भाई टायर बोर्ड गए थे और बग्गी के कवर में था मैं, फिर भी गोली जमीन के अंदर घुस के आई, कोई बात नहीं गाइस। तो गाइस, अगर तुमको ये वाला गेम प्ले पसंद आया तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, और तुम लोग मेरे चैनल पे अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं नंबर 1 पे जाने ही वाला हूँ, तो कर दो सब्सक्राइब। तो गाइज, अपन मिलते हैं अब अगली वीडियो में यानी कि कल, तो मैं भी चलता हूँ यार, बाय।